और खजूर बनाई है बिल्कुल अपनी नानी की स्टाइल में। बन चुका है हमारा पलंग और बस निकल आएगा। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ से थोड़ा सा मार्केट का काम है वो करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस अभी मैं आई थी यहाँ पर पारा पढ़ने के लिए, तो सोचा कि अपने वीडियो का भी आगाज कर देती हूँ अपने ब्लॉग का। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम हमारा आज का ब्लॉग पारा पढ़ने से। अभी मैं आ गई हूँ अपने लिए एक सूट कट करने के लिए। सूट मैं कट कर रही हूँ नायरा कट, और ये भी घेर वाली फ्रॉक बना रही हूँ, और नीचे बनाऊंगी कम घेर वाला प्लाजो। अभी मैं अपना सूट कट कर रही हूँ, और जब मैं मार्केट जाती हूँ लगाए तो मुझे रेड कलर जब नजर आता है ना, तो मैं डेली वेयर के लिए लाने से अपने आप को रोक नहीं पाती। मुझे बहुत पसंद है रेड कलर, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है। लेकिन आदि जी को भी कोई पसंद नहीं आ रहा, वो मना कर रहे थे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों लेकर आई, मुझे भी पसंद आ रहा है। लेकिन मैंने कहा एक बार बनने दो, मैं जब पहनूंगी ना तब आप खुद ही कहोगे, आप खुद तारीफ करोगे इसकी कि हाँ वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल अभी बना लेते हैं, देखिए आज ही कट करूंगी और आज ही सिलूंगी और फिर वैसे वेयर करूंगी, तो दिखाऊंगी आप लोगों को। तो गाइस आ गई हूँ सिलने के लिए, कट तो हो गया है सूट मेरा, अभी मैंने सिलना शुरू कर दिया है। और इसका मैंने कम घेर वाला प्लाजो बनाया है, तो दिखाती हूँ अभी कैसा बनाया है। और इसके लगा रही हूँ मैं ये वाली लेस, मैंने इसका पूरा बंडल लेकर आई थी, तो ये वाली लेस मैं लगा रही हूँ जो कि बहुत प्यारा लुक देती है इस वाले कपड़े पर। यहाँ पर ये मेरा नायरा कट सूट बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही सिंपल एंड सोबर, बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। देखिए ये यहाँ से मैंने एक साइड से खुला वाला बनाया है और एक साइड से मैंने बंद वाला हिस्सा रखा है, तो कैसा लग रहा है मेरा नायरा कट सूट ये देखिए घेर वाला है। फिलहाल ये रहा मेरा आज का आउटफिट जो मैंने खुद से रेडी किया है, कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। तो देखिए मैंने आज ही काटा है और आज ही सिल लिया है, 2 घंटे में मेरा एक सूट सिलकर रेडी हो जाता है। फिलहाल रेडी हो गया है, फिलहाल अभी आ गई हूँ अब तैयारी बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ शक्कर पारे, तो उसका आटा मैंने लगा लिया है, और बनाने वाली हूँ बर्गर, तो बर्गर के लिए उसका बैटर रेडी करके रख लिया है, बस टिक्की बनाकर फ्राई करना बाकी है। तो कर लेते हैं फटाफट, बस हमारा डो लगा कर रख दिया है, टिक्की बना लेती हूँ बर्गर की। ऑयल भी गर्म हो गया है, मैंने यहाँ पर शक्कर पारे को फ्राई करना शुरू कर दिया है। कट कर करके मैंने कुछ खजूर बनाई हैं और कुछ मैंने शक्कर पारे बनाए हैं, तो दिखाती हूँ आपको। और खजूर बनाई है बिल्कुल अपनी नानी की स्टाइल में, मेरी नानी बनाती थी इसी तरह से बांस की डलिया पे, वैसे ही बनाई है मैंने। सॉरी आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ कि मैंने किस तरह से बनाई है, और ना मैंने कोई रेसिपी शेयर की है आज। तो बस तिरछे वाले शेप में हमें काटना होता है काजू कतली की जैसी, बस धीमी धीमी आँच पर हमारे शक्कर पारे फ्राई। यहाँ पर मैं बर्गर के पाव को फ्राई करने लग गई हूँ बर्गर बनाने के लिए, और बर्गर की टिक्की भी बनकर रेडी हो गई है, हमारे शक्कर पारे भी बनकर रेडी हैं, और फैनी बना रही हूँ तो फैनी भी मैंने निकाल ली है, और सारे सामान निकाल लिए हैं बर्गर बनाने के। अफ्तारी की फैनी बनकर रेडी हो चुकी हैं और हमारे बर्गर भी रेडी हैं, तो कुछ मैंने फ्राई बनाए हैं और कुछ मैंने बिना फ्राई बनाए हैं। रियान फरान फ्राई वाले पसंद नहीं करते, तो उनके लिए मैंने बिना फ्राई बनाए हैं, और हम लोगों को फ्राई वाले अच्छे लगते हैं तो मैंने फ्राई वाले बनाए हैं। तो अभी हमारे बर्गर रेडी हैं, हमारी फैनी भी रेडी है, और हमारे शक्कर पारे भी रेडी हैं, और तरबूज मैंने काट कर फ्रिज में लगा दिया है। तो बस फिलहाल अभी हमारे सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। ये रही हमारी आज की अफ्तारी, तरबूज है और बर्गर, और मैंने बनाया है जो मेरी नानी स्टाइल में खजूर, और है फैनी। तो बस आज की हमारी अफ्तारी जो है वो बनकर रेडी हो गई है, लग चुकी है दस्तरखान पर। ये हैं शक्कर पारे, तो एक ही रेसिपी से 2 तरीके की चीज़ें बनाई हैं मैंने। तो बस अभी यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं अफ्तार के लिए, तो इफ्तार करेंगे। और गाइज हमारा अफ्तार हो चुका है, और हबी जी और बच्चे चले गए हैं तरावी पढ़ने के लिए, और मैं आ गई हूँ ये वाला जो हमारी चारपाई है पलंग जो है ना हमारा, इसे बुनने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो हबी जी ये निवाड़ ले आए थे, तो अभी मैं फ्री थी इस टाइम पर, तो मैंने सोचा है कि नमाज से पहले, ईशा की नमाज से पहले मैं इस काम को डन कर देती हूँ, इसे बुन देती हूँ। मैंने कहा आज कर देती हूँ, क्योंकि रोज़े में थोड़ा सा हिम्मत नहीं होती है, मन नहीं करता कुछ ऐसे मतलब भारी काम करने का,
तो फिलहाल अभी कर देती हूँ, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो पहले मैं इसे हटा लेती हूँ सारी निवाड़ को। तो हमने निकाल दिया हमारी पलंग से सारी जो पुरानी निवाड़ थी ना, वो हमने सारी रिमूव कर दी इससे, और अभी मैं ये नई वाली लगाऊंगी इस पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे टक कर देंगे अच्छी तरह से कि ये निकले ना मजबूती से। तो पहले मैं इसे थोड़ा सा अंदर की साइड पर फोल्ड करूंगी और फिर इस तरह से रखकर यहाँ पर अच्छे से इसे टक करूंगी। तो खूब अच्छी तरह से हमें इसे टक कर देना है ताकि ये निकले ना यहाँ से। खूब अच्छी तरह से हम इसे 4-5 बार टक कर देंगे। तो मैंने अच्छी तरह से इसे टक कर दिया है। अभी मैं इसे 10 बार इस तरह से सीधी साइड से घुमाऊंगी और बस इस तरह से इसको मैं राउंड राउंड करके 10 बार निकाल दूंगी निवाड़ को, और उसके बाद मैं बुनूंगी। तो दिखाती हूँ आपको मैं किस तरह से कर रही हूँ। हमने इस तरह से 10 बार निकाला राउंड राउंड करके, और उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से टाइट किया। अभी हम इसे इस साइड से राउंड राउंड करेंगे, एक दबाएंगे एक उठाएंगे, एक दबाएंगे एक उठाएंगे, इस तरह से हम इस पलंग को बुनेंगे। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको पास से। देखिए यहाँ पर आकर हमारे इसका एंड हुआ है, तो हमने यहाँ से इस तरह से इसको राउंड देते हुए निकाला है। तो अभी हम इसे दबा देंगे, देखिए इस तरह से टाइट करते हुए इसे दबा देंगे और इसे उठाएंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से। फिर इसे दबाएंगे और इसे उठाएंगे और यहाँ से निकालते जाएंगे और इसे ठीक करते जाएंगे बीच बीच में। अभी हम इसे दबाएंगे और इसे फर्स्ट वाले को दबाया है, सेकंड वाले को उठाया है, फिर थर्ड वाले को दबा दिया है, फिर फोर्थ वाले को उठा दिया। तो बस इस तरह से बारी बारी से दबाते जाएंगे उठाते जाएंगे और सारे पलंग को हम राउंड राउंड करके पूरा डन करेंगे, बुन देंगे। देखिए हमने फर्स्ट वाले को दबाया था ना, अभी हम यहाँ पर ये वाले को दबाएंगे और फर्स्ट वाले को उठा देंगे इस तरह से, ये देखिए निकाल देंगे यहाँ से। बस इसे यहाँ पर हम खिसकाते जाएंगे और फिर से यहाँ से इसको हम ये देखें इस तरह से निकालेंगे। तो उस साइड से जैसे हमने निकाला था ना, तब इस वाले को दबा दिया था, अभी हम यहाँ से इसको दबाएंगे और इस वाले को उठाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे उठाया है, अभी मैं इसे दबाऊंगी, फिर इसे उठाऊंगी, इसे दबाऊंगी, तो बस इस तरह से करेंगे। तो कर लेते हैं। बुन चुका है हमारा पलंग और सारा मैंने अच्छी तरह से इसे हमने खींच लिया है, मैंने और उस्मान दोनों ने मिलकर, और बहुत अच्छी तरह से बुन चुका है। थोड़ा सा लास्ट में हमें कम पड़ रहा था 1 मीटर के करीब, तो मैंने इसमें जो हमारा पुराना वाला था ना, उसे मजबूत वाला हिस्सा निकाल कर इसमें जॉइंट कर दिया है, वहां पर अच्छे से टक किया है। अभी यहाँ पर इसको टाई करने के बाद में मैंने अच्छे से टक कर दिया है ताकि ये खुले ना यहाँ से। तो बस ये वाला काम हो गया है डन, और ये हमने बना लिया है पलंग। तो बस अगर आप भी बनाए तो इसी तरह से बुन ले, बहुत आसानी से बुन जाता है। तो बस अभी हबी जी आ चुके हैं तरावी पढ़कर और हमें इतना वक्त लग गया है, तो अभी पहले हबी जी को खाना वगैरह निकालेंगे, उसके बाद हम ईशा की नमाज अदा करेंगे। तो बस बने रहे। तो गाइस आज हो गया है नेक्स्ट डे और मैं आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। तो मैंने मशीन निकाल ली है बाहर, इतने सारे कपड़े हो गए थे तो ये सूख चुके हैं, मैंने सूखने के लिए लगाए थे, और कुछ अभी इसमें धुल रहे हैं और कुछ मैंने खंगाल कर रख लिए हैं, तो इन्हें भी मैं सूखने के लिए लगाऊंगी। बस अभी मैं धुल रही हूँ, धो लेती हूँ। कपड़े जो है ना वो काफ़ी सारे हो गए थे, तो बस यहाँ पर अभी मैंने धुल लिए हैं, और सबसे आगे वाली साइड पर ना मैं वाइट कपड़े डालती हूँ क्योंकि मुझे सबसे आगे वाइट कपड़े डालना अच्छा लगता है, और पीछे की साइड पे मैं सारे कलरफुल कपड़े डालती हूँ। तो बस अभी मैंने डाल दिए, सारे कपड़े धुल चुके हैं। अभी बारी आती है हमारे एक्वेरियम की, क्योंकि एक्वेरियम भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, और वैसे भी इसके टाइम पर मैं साफ़ करती हूँ, तो उसे भी साफ़ कर लेती हूँ, तो मुझे घर की क्लीनिंग में भी लगना है। तो सोच रही हूँ कि पहले ये वाले काम से फ्री हो लूँ, उसके बाद मैं घर की क्लीनिंग भी करूँगी। एक्वेरियम को खाली करने का ना मैंने रेहान को बोल दिया था, तो रेहान ने सारा पानी एक्वेरियम से निकाल दिया है। तो यहाँ पर मैं बाल्टियों को उठाकर इस तरफ पे रख रही हूँ, और सबसे पहले मैं मशीन को अंदर करूँगी, उसके बाद में मैं एक्वेरियम लेकर आऊँगी, क्योंकि जगह कम है और फिर एकदम से मैसी मैसी हो जाता है। तो मैंने सोचा है कि पहले मैं मशीन को अंदर कर देती हूँ, फिर मैं एक्वेरियम को निकालती हूँ। तो आ गए हम हमारे ये वाले काम पर, खाली करेंगे फिर बाहर लेकर जाएंगे। आओ रेहान, तो बच्चों से जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर रेहान फरहान है ना, दोनों मेरी हेल्प कर रहे हैं इसे बाहर निकालने में। इसे बहुत ज़्यादा डर लगता है कहीं टूट ना जाए, तो मैं बच्चों की हेल्प के साथ इस काम को कर रही हूँ।
ये देखें हमारी सारी फिश को मैंने इस तरह से एक बाल्टी में निकाल कर रख दिया है। जब एक्वेरियम साफ करती हूँ ना तो इनको इसी तरह से निकाल कर, एक्वेरियम एकदम से क्लीन हो गया है, बढ़िया साफ कर दिया मैंने, इसको चमका दिया है। तो बस अभी हमारा सारा एक्वेरियम लग चुका है, लेकिन अभी नल नहीं आ रहे हैं तो इसे भरूंगी नहीं, मैं शाम को भरूंगी। शाम को इसके जो छोटे मोटे काम रह गए उन्हें मैं सेट करूंगी शाम के टाइम में जब नल आ जाएंगे। ये देखें इस लड़की की हेल्प से मैंने सारे कामों को अंजाम दे दिया। हमारी उज्मा मेरी पूरी हेल्प करती है, दोनों ने मिलकर सारे कामों को किया है। कपड़े मैं धोती जा रही थी, उज्मा डालती जा रही थी, तो हमारे कपड़े भी क्लीन हो चुके हैं और हमारा एक्वेरियम भी क्लीन हो गया है। और हमें केज को साफ करना बाकी है तो वो अभी नहीं करूँगी मैं, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो बस फिलहाल उज्मा और मेरा नहाना बाकी है। तो यहाँ पर सारे कामों से फ्री होकर नहा कर मैं हो चुकी हूँ रेडी, नकाब वगैरह पहन कर, क्योंकि मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ पर। थोड़ी सी ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने सोचा है कि मैं दिखा लेती हूँ। हबी जी ने मेरा नंबर लगा दिया था तो नंबर आ गया है, तो अभी निकलते हैं। और मैं हूँ लेट तो मुझे लग रहा है कहीं डॉक्टर उठ ना गए हों, तो फिर भी देख लेते हैं, मिलेंगे तो दिखा लेंगे, वरना मुझे जो मार्केट के काम है वो करके मैं आ जाऊँगी। यहाँ पर मैंने अपनी रिपोर्ट वगैरह ले ली है और मैं जा रही हूँ यहाँ से फरहान के साथ। तो फरहान और मैं जा रहे हैं, तो देखते हैं डॉक्टर मिलते हैं या नहीं। और वहीं जा रही हूँ मैं जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उन्हीं के पास। तो बस अभी दोनों माँ बेटे यहाँ से निकल रहे हैं, मम्मी को बोल दिया है कि मम्मी जाकर आती हूँ, तो बस निकल रहे हैं हम लोग। डॉक्टर तो मुझे नहीं मिले हैं, मैं निकल रही हूँ यहाँ से मार्केट के लिए, तो अभी मार्केट जा रहे हैं हम दोनों। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं भी फरहान के लिए, स्कूल के बैग लेने थे वही लेने के लिए, डॉक्टर के यहाँ गए थे, डॉक्टर हमें मिले नहीं है। तो फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं बैग देखने के लिए। ये हैं बैग दोनों के लिए, रेहान फरहान के लिए, इनके बैग खराब हो गए थे तो बस अभी मैं निकल रही हूँ। हिजाब बनाकर रेडी कर लिया है, कैसा लग रहा है ये देखें। ये मैंने अपने नकाब के लिए हिजाब बनाया है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, व्हाइट वाला जो नकाब मैं लेकर आई हूँ ना वो मैं पहन नहीं पा रही थी, क्योंकि ये शॉल से ना मैं अनकम्फर्टेबल सा थी। तो अभी ये बिल्कुल तरीके से परफेक्ट बन चुका है, मैंने इसे रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर देखिये ये माता पट्टी बनाकर लगाई है मैंने इसमें, इसका सारा बॉर्डर अलग करने के बाद फिर से यहाँ पर पट्टी बनाकर लगाई है, डिजाइन किया है खुद से, कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा। गाइस देखें हमारे बजीज ने कितनी खतरनाक फाइट हुई है ना, कि इसकी जो पैर में इतनी बुरी तरह से लग गई है नाखून में, कि इसका ब्लड जो है ना वो बंद नहीं हो रहा है बहने से, बहुत ही ज्यादा बह गया है, पूरे पिंजरे में खून खून हो रहा है। और इसे अभी मैंने इसे केज से बाहर कर लिया है, बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल गया है इसका। कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ इसके पैर पर ताकि इसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। फिलहाल गाइज अभी लेती हूँ आप लोगों से विदाई। तो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वही मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, जल्द लौट कर आऊंगी इसी तरह से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।